इस वक्त की दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस की सरकार ने शुरू कर दिया है भाजपा के नेताओं से बदला लेना। जी हां दोस्तों, दिग्गज नेताओं के खिलाफ यहां पर सीआईडी करेगी जांच। क्या कुछ है पूरी खबर, बीजेपी के अंदर हड़कंप सा मचा है, जानेंगे विस्तार से खबर को। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि लगातार केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कर्नाटक में फिर से होगी बिटकॉइन घोटाले की जांच। सिद्धारमैया सरकार सीआईडी को सौंपेगी पूरा मामला। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बिटकॉइन घोटाले की फिर से जांच कराने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धारमैया सरकार ने मामले की फिर से जांच के लिए सीआईडी को सौंपने का फैसला लिया है और बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि राज्य सरकार 2 दिनों में इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के अंदर हड़कंप मचा है। आरोप है कि बम्बई सरकार के दौरान कई बीजेपी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय हैकर श्रीकांत उर्फ श्रीकी को घोटाला करने की अनुमति देकर के भारी मात्रा में पैसा कमाया था, जबकि वह 2020 में कथित तौर पर ड्रग्स बेचने के आरोप में हिरासत में जेल में था। यह यहां पर बीजेपी के नेताओं के अंदर अब हड़कंप मच गया है। पूरे मामले की जांच करेगी सीआईडी। इस समय की बड़ी खबर थी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।